Career School, Playgroup Onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madhwadi, Dashashwamedh branches in Varanasi. गली चौराहे का हाल जानते हुए इस समय हम एक परिवार के बीच हैं, वो परिवार जो मस्त मौला परिवार, जिसे बनारसी मिजाज कहा जाता है, पक्के महल के परिवार में हैं। और ये 21 दिन का लॉकडाउन किस तरह से कट रहा है इन लोगों का, क्या कुछ संकल्प ले रहे हैं और इस महावायरस को भगाने के लिए किस तरह से एकजुट हैं, और परिवार में किस तरह का इस समय फीलिंग्स जिसे कही जाए जो महसूस कर रहे हैं, उसका सीधा नजारा आपको अपने लाइव बीएनएस के माध्यम से हम दिखाएंगे। एक ऐसे परिवार, पक्के महल के परिवार, मस्त मौला बनारसी, अखड़ बनारसी मिजाज जिसे कहा जाता है, बनारसी इसीलिए मशहूर हैं, ऐसे ही बनारसी के पास हम मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवदयाल तिवारी है। हमारी कारोबार के बड़ी बड़ी आप लोगों को बनाया हर हर महादेव की तरफ से हम चाहते भैया ये समय जितना सुख सुविधा बाय सब कोई मजा ले ले जा आए, कहे से भजन ए वक्त भजन करा, भोजन करा, घर में परिवार के संग खूब आनंद ला, नहीं तो रोज तो काम करा ही के रहा। 21 दिन खूब भजन करा, खूब पूजा करा, खूब खा पिया पढ़ ला, एक बात खाली हो मोदी जी को माना, न हर्र लगत न फिटकिरी, रंग रहो तो चोखा, घरे बैठ के खूब भजन खूब भोजन हो तो आनंद लेवल जाए। अब देखी उनकर एक बात खाली, एक बात मोदी जी को माने से देश का जीव जंतु सबकर भले भला दिखा तो, सबकर भले भला दिखा तो, ये लिए मोदी जी तो कहे ही है बड़े बड़े संत, बड़े बड़े संत रहीम दास जी तो आप लोग को समझा के गए हैं कि इक्के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, इक्के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहीमन फूल ही खींचिए फूल ही फली सभाए, जैसे जड़ में पानी देवे से ही फल फूल खूब फलेला, वही तरह मोदी जी का मात्र एक लॉकडाउन मान से आप विश्व के बचा सकेला और या सकेला। हमारी प्रार्थना हो कि आप लोग घर में बैठ के पूरा आनंद प्राप्त करा, परिवार के संगे खूब खा पिया मस्त रहा और भजन करा बाबा भोलेनाथ का हर हर महादेव करा। चाचा, ये समय दिनवा कैसे कटत हो? दिनवा कटत हो यार, खूब बैठल जाता, खूब पतो बिटवा बनावत हुआ खियावत हुआ, ऐसे तो दुकाने से आई नहीं मिलत हो, आज कचौड़ी बनावा आज ही बनावा खाए जाते, बच्चन के कभी मौका नहीं मिलत बतियावे का, बच्चन के पोतन के खिलावल जाते, फिर तो कारोबार में रही किया। ये 21 दिन का लॉकडाउन कहीं ना कहीं से बनारसियन के एक संजीवनी दे दिले। अरे मजा आ गया यार, दिन भर काम दिन भर काम, कमाओ खत्म देश का भला, इनमें अपने तो भला होत ना, पर्यावरण भी बच गए, पर्यावरण बच गए, हर चीज बच गए, अच्छा काम हो तो सबसे बड़ी माली के समय मौका भजन भजन करे का, भजनों करा और भजनों करा। चाचा, एक अपील का रही हमारे लाइव बीएनएस के माध्यम से लोगन के, कोरोना वायरस का जो लॉकडाउन है 21 दिन का, उनके का चाहे कहे चाहवा? उनसे ही कह भैया कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करके बाबा भोलेनाथ का कृपा हो जाये, सब चकाचक हो जाई, मजे मजा हो जाई, दुख आए लो लेकिन लॉकडाउन का जो नियम हो ओके पालन करके अपने अपने परिवार के, अपने जिला के, अपने प्रांत के, अपने देश के पूरा बचावे का आप लोग यही मदद करा, बस एक के सादा कि अब बाहर ना निकलब और मोदी जी का बात मानब, हम ही काम करो, ऐसे हमारा भी भला है और देश का भी भला है। हर हर महादेव। परिवार के और सदस्य भी हैं, अन्य सदस्यों से भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिलापनंद तिवारी है। मिलाप जी, इस समय 21 दिन का लॉकडाउन है। जी जी, और पूरी तरीके से लॉक हैं आप लोग घरों में, कहीं जा नहीं पा रहे हैं। वैसे पहले दिन भर क्या नाम है अपना दुकान पे, दिन भर दुकान का काम पूरा टेंशन रहता था, थोड़ा सा फ्री हुए हैं तो थोड़ा घर में आनंद ले रहे हैं, आराम ले रहे हैं,
उससे अच्छा भी लग रहा है। और मोदी जी का कहना था कि लॉकडाउन का अनुपालन करो, तो हम लोग वही कर रहे हैं और लोगों को भी समझा रहे हैं अगल बगल। भाई हम सबको यही कहेंगे, सब लोग क्या नाम है, अपने घर में रहें, सेफ रहें, यही कहना चाहते हैं। आपने सुना पूरी तरीके से बनारसी मिजाज के साथ लाइव बीएनएस से बात की इस परिवार ने, और साफ कहना है कि जब हम आनंद से रह सकते हैं तो इस 21 दिन के लॉकडाउन में आप भी अपने घरों में आनंद से रहें, कोरोना जैसे महावायरस से बचें, लोगों को बचाएं, और प्रधानमंत्री की उस अपील को देखते हुए आप घरों से ना निकलें, ऐसा कहना है इस प्यारे से परिवार का, वीवीआईपी परिवार का। जी हाँ, हमारे लिए ये परिवार खास है, लॉकडाउन में एक ऐसा परिवार मिला। अन्य लोगों से भी हमने कोशिश की बात करने की, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं हुए, लॉकडाउन और महावायरस की दुहाई देते नजर आए। लेकिन ये जो जिंदा दिल बनारस, जिसे कहा जाता है जिंदा शहर, वो जिंदा शहर बनारस की खास रिपोर्ट के साथ मैं ध्यानचंद शर्मा, लाइव बीएनएस वाराणसी। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज, एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा पहाड़िया वाराणसी।